अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख में यह कहकर तौसीक की गई है कि तकनीकी मसाइल हैं। क्या वाकई तकनीकी मसाइल हैं? दूसरा, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा ही होता है, इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के लिए टाइम लिमिट दी जाती है कि 90 दिन में आपने इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना है। दूसरा, आजकल पेंडोरा पेपर जेर बहस है, इससे पहले पनामा लीक्स के स्कैंडल भी आ चुका था। क्या यह स्कैंडल टैक्स को बचाने के लिए लाए जाते हैं या ऑफशोर कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बनाई जाती हैं? नज़र से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, माहरीन सवाल से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। ये जो इन्होंने तारीख बताई है 15 अक्टूबर तक, मैं ये समझता हूँ बड़ा अच्छा फ़ैसला है। इसमें ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि डेट बढ़ाएँ। हम ये चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें आपने 90 डेज़ दिए हैं वो 90 डेज़ मुकम्मल दें। इसमें जो साइट की प्रॉब्लम आती है, आईआरएस का लिंक डाउन हो जाना, आईआरएस ना चलना, इसमें आप टैक्स पेयर्स को जो टाइम है वो ख़राब कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा चाहे तो वो रात 12 बजे तक 30 सितंबर तक रिटर्न बना सके, उसे कोई हडल ना हो, कोई उसकी में साइट की प्रॉब्लम ना हो। अगर उसकी बनाते हुए रिटर्न में या इसका लिंक डाउन होता है या साइट पर प्रॉब्लम होती है, तो इसका कसूरवार जो है वो FBR है, क्योंकि FBR ने 90 डेज़ मुकम्मल देने हैं। उसमें हर डे 24/7 जो है उसका ड्यूटी ये है कि वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि रिटर्न ऑनलाइन इजीली सबमिट हो सके। आप ये देखें कि सितंबर के अंदर आए दिन IRS लिंक डाउन रहा, हम 12 दफ़ा उनको इन्फॉर्म करते रहे, फिर हमारी बार्स ने उनको कहा कि जो है हमारा लिंक डाउन है, इसमें डेट एक्सटेंशन जो है वक्त की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि हमें एक्सटेंशन दें, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है रिटर्न्स का उसको पूरा करें। इसी तरह लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने, कराची टैक्स बार एसोसिएशन ने, और सबसे ज़्यादा स्पेशली पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने जो इस मेहनत की, अनथक कोशिश की इस सिस्टम को ठीक करने में, इसकी एक्सटेंशन के लिए, मैं समझता हूँ इनकी जो काविशें हैं वो काबिले स्ताइश है। और दूसरी बात यह है कि 14 अगस्त को जब साइबर क्राइम हुआ और ये साइट हैक हुई, तब से ना ही कभी कोई चलान क्रिएट होता है IRS पे, ना ही इसके अंदर जितनी भी जो इंक्वायरी सिस्टम है, जो FBR का ITMS है, वो सिस्टम सही तरह काम नहीं कर रहा। और इसी तरह अगर कोई फार्मूलेशन की प्रॉब्लम है, टर्नओवर का जो फार्मूला है, हमने इसके बारे में हाई कोर्ट में रिट भी की हुई है और FBR के नुमाइंदों को कहा भी गया कि इस सिस्टम के अंदर जो फेलियर है, जो आपकी फार्मूलों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनको फार्मूलों को ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ काफ़ी रिटर्न्स जो हैं जो इस वजह से रुकी हुई हैं, और कई रिटर्न्स ऐसी हैं जिनके अंदर डाटा के अपलोड करने में या उनके चलान में, तो इस तरह के टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं, मैं समझता हूँ अब तो IT का दौर है, इतना बड़ा सिस्टम है। अभी हम 22 करोड़ में से 3 मिलियन लोग रिटर्न्स दे रहे हैं और IRS हमारा 3 मिलियन लोगों के रिटर्न अभी उठाने के काबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपना एक नया सिस्टम बनाना चाहिए मुल्क को, हमें किसी का चोरीशुदा हुआ सिस्टम, किसी से सिस्टम इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर बहुत टैलेंट है IT का, हमें चाहिए कि हम ऐसा एक निज़ाम बनाएँ जो जितनी भी उस पर ट्रैफिक हो वो लिंक डाउन ना हो। अभी हम चाह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स बढ़े, फाइलर्स की तादाद बढ़े, लेकिन अगर हम इतने टैक्स पेयर्स के अंदर हम अपना लोगों को अच्छी सर्विस नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा लम्हा फिक्री है। दूसरा ये कि जो पंडोरा बॉक्स निकला है, मैं समझता हूँ ये पंडोरा बॉक्स जो है, इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं, आया कि उनके एसेट्स जो हैं वो इनकी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड हैं कि नहीं है। अगर वो डिक्लेयर्ड है, अगर वो कानून के मुताबिक उन्होंने अपनी कोई वहाँ से इनकम की अर्निंग कर रहे हैं, तो उसका फॉरेन सोर्स इनकम का यहाँ प्रूफ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर इंसान को चाहिए, जो हमारे पाकिस्तानीज हैं, जो इनकी बाहर जायदाद हैं, उस पर अगर कोई डिक्लेरेशन करने में प्रॉब्लम है, वहाँ यहाँ पर डिक्लेयर करें, और वहाँ से अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम हो रही है तो वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को पाकिस्तान में अपनी 116A के तहत अपनी फॉरेन सोर्स एसेट्स जो हैं उनको डिक्लेयर करें और उस पर जो टैक्स बनता है वो जमा करें।